पलवल नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सैकड़ों कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार स्वयं हरियाणा सरकार होगी। पब्लिक हेल्थ जिला प्रधान राकेश तंवर ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे कर्मचारियों से किए थे उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है, वह जायज मांगों को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगें समान काम समान वेतन, समय पर वेतन देना, ठेका प्रथा बंद करना है। तंवर ने कहा कि सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है और हड़ताल पूरे हरियाणा के ब्लॉकों में की जा रही है। हड़ताल के चलते नगर परिषद का सारा कामकाज ठप हो गया है और पूरा हरियाणा धीरे धीरे गंदगी में तब्दील होने लगा है। अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो उनकी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं हरियाणा सरकार होगी। जो सरपंच से संबंधित विभाग है उन सबने अपना ऐलान कर दिया है, जब तक इनकी जो मांगें नहीं मानी जाएंगी, जो बेहतर करते की हड़ताल है उसके बाद अनिश्चितकाल की जो घोषणा कर दी है, जो हमारे स्टेट के प्रधान है वीरेंद्र सिंह डंगवाल, उन्होंने भी आह्वान कर दिया है नगर पालिका संघ की जो भी हड़ताल होगी, पब्लिक हेल्थ पीएनआर एरिगेशन का एक एक कर्मचारी इनके आंदोलन को पूरे हरियाणा में समर्थन करेगा। तो ये जो 3 दिवसीय हड़ताल है सारा कामकाज ठप है? नहीं, कामकाज करना हमारा ठप करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं सरकार जो हमारी जायज मांग है, जो कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करे, या जो 26 अक्टूबर 2016 को जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ उसको तुरंत पर आप से लागू करे, समान काम समान वेतन दे। जैसे हमारे ये फाइब्रिगेड कर्मचारी साथी लगे हुए हैं कह रहे हैं, तो जिस प्रकार से सरकार धमकी देती है, हम कहना चाहते हैं जब ये लगातार 15 साल से सरकार में सेवा दे रहे हैं, अपने विभाग में सेवा दे रहे हैं, तो इनको नियमित किया जाए, सरकार अपने कलम से इनको पक्का करे, क्योंकि इनके हैवी लाइसेंस है। उस टाइम भी इनके इंटरव्यू हुए थे, सरकार ने भी इनको बाकायदा अखबार के माध्यम से इनको लिया था। हमारी सरकार से ही मांग है, या तो हमारे जो स्टेट के नेता हैं उनको बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए, क्योंकि लगातार सरकार का एक घोषणा पत्र आया था जब सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने साफ कहा था और जब भी सरकार हमारी बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में बनेगी तमाम कच्चे कर्मचारियों को आने के बाद हम एक कलम से पक्का कर देंगे, लेकिन सरकार अपने घोषणा पत्र को परिधान नहीं दे रही।